हेलो गाइस, रियलमी ने आज रियलमी नार्जो 20 सीरीज़ को लॉन्च कर दिया है, जहां पे रियलमी का नार्जो 20, 20 प्रो और 20 ए लॉन्च हुआ है। इस वीडियो में गाइस रियलमी नार्जो 20 ए के बारे में बात करेंगे, जो कि इस सीरीज़ में जो है सबसे कम प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। प्राइस की बात करें गाइस तो रियलमी नार्जो 20 ए आपको 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल मेमोरी वाला फ़ोन 8,499 रुपये में देखने को मिलेगा। वहीं पे 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी वाला फ़ोन आपको 9,499 रुपये में देखने को मिलेगा। तो बस दो ही वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे इस फ़ोन के, और जो भी 20 सीरीज़ के फ़ोन लॉन्च हुए हैं सभी में दो वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अलग अलग हैं। सारे सीरीज़ के वीडियो आपको चैनल में देखने को मिल जाएंगे। अभी इस वीडियो में रियलमी नार्जो 20A के बारे में बात करते हैं। पहले ब्रांडिंग की बात करेंगे इस, तो अब नार्जो की ब्रांडिंग के साथ ये फ़ोन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे नार्जो लिखा हुआ रहेगा रियलमी नार्जो के इस सीरीज़ में। यहाँ पे गाइस सब ब्रांड का सब ब्रांड निकालते जा रहे हैं, बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है सब कुछ, आपको पता है ओप्पो, वीवो, वन प्लस, नार्जो, रियलमी जो भी है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन की, तो रियलमी नार्जो 20A में आपको देखने को मिलेगा 6.5 इंच का एक HD प्लस डिस्प्ले गाइस। यहाँ पे कोई फुल HD प्लस नहीं है, और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ये ठीक ठाक है गाइस। और कैमरा की बात करते हैं गाइस, तो ट्रिपल कैमरा आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे 12 मेगापिक्सल का एक मेन सेंसर आपको देखने को मिलेगा, वहीं पे 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का साथ में दो कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि यूजलेस प्लस यूजलेस आप बोल सकते हो, जिसका कोई भी काम नहीं है। स्टार्टिंग में अगर फ़ोन लेंगे आप तो एक दो बार ट्राई करेंगे, उसके बाद से आपको जो भी रहेगा मेन कैमरा से ही रहेगा, और उस लायक भी नहीं है गाइस 2 मेगापिक्सल की आप कुछ यूज़ कर सकें। बाकी फ्रंट कैमरा की बात करते हैं गाइस, तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले में कोई भी पंच होल नहीं देखने को मिलता है, जहाँ पे गाइस आपको पता है कि ये एक एंट्री लेवल वाला फ़ोन है, जहाँ पे एक सस्ता फ़ोन इसको बोल सकते हैं। और जो रियलमी है अब नार्जो सीरीज़ इन्होंने लॉन्च कर दिया, तो यहाँ पे फ़ोन है जो वो कॉम्पैक्ट हो गया गाइस, जहाँ पे सारे फीचर्स देने की कोशिश की गई है, जो कि कम है पर बहुत ठीक ठाक से दिया गया यहाँ पे। अब जो हाइलाइटिंग फीचर्स की बात करें गाइस, तो इसमें आपको अगेन 5000 mAh का बैटरी आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे ये कॉमन हो गया है 5000 mAh बैटरी। और वहीं पे बात करते हैं गाइस जो सबसे ज़्यादा हाइलाइटिंग मुझे लगा, कि इसमें आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर। गाइस ये प्रोसेसर अपने आप में बहुत बेहतरीन है इस प्राइस रेंज में, 8,499 रुपये में किसी भी फ़ोन में आपको ये लेवल का आपको प्रोसेसर देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ पे गाइस अगेन मैं फिर से बोलता हूँ, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा इस रियलमी नार्जो 20A में, जो कि एक अपने आप में बहुत अच्छा प्रोसेसर है गाइस, जहाँ पे आप फ्री फायर और जो भी सारे गेम्स हैं वो खेल सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा गाइस कि यहाँ पे आपको 3 GB रैम और 4 GB रैम का ऑप्शन देखने को मिलता है, वहीं पे 32 GB इंटरनल मेमोरी और 64 GB इंटरनल मेमोरी आपको देखने को मिलेगा। साथ में गाइस यहाँ पे कोई 18 W का फास्ट चार्जिंग इन द बॉक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सपोर्ट तो ये करेगा ही। वहीं पे बात करें गाइस इस फ़ोन के चार्जिंग पोर्ट की, तो USB टाइप आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पे USB टाइप सी नहीं है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, और टाइप सी केबल भी आपको नहीं देखने को मिलेगा इन द बॉक्स। और वहीं आगे बढ़ते हुए बात करते हैं गाइस इस फ़ोन में जो और हाइलाइटिंग फीचर है उसके बारे में, तो गाइस आपको 3 कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब जो कि है आप 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड एक साथ अपने फ़ोन में लगा सकते हैं। और वहीं पर मैंने आपको बताया कि 5000 mAh बैटरी, जहाँ पर कंपनी क्लेम करती है कि 40 डेज का आपको देखने को मिलेगा बैकअप, 40 दिन तक आप मतलब अगर आप फ़ोन कर चार्ज करके रख देते हो 40 दिन तक आपको बैकअप देगा। स्क्रीन ऑन टाइम तो ठीक ठाक ही देगा गाइस यहाँ पे। और बात करते हैं गाइस यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, जो उसका डिस्प्ले है वो 6.5 इंच का मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन वाला डिस्प्ले है, ये ऐसा बोल रहे हैं, पर इस प्राइस रेंज में आपको पता है कि किस टाइप का डिस्प्ले आता है, और बहुत कॉम्पैक्ट टाइप का डिस्प्ले है गाइस, जहाँ पे साइज़ भी कॉम्पैक्ट है 6.54, और उससे ज़्यादा अगर फ़ोन चले जाता है तो थोड़ा डबल हैंडी फ़ोन हो जाता है, सिंगल हैंडी नहीं लगता है, और हैंडी भी ये फ़ोन है इसको बोल सकते हैं। जहाँ पे गाइस फुल स्क्रीन इसके एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो 20:9 का आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे फिंगरप्रिंट सेंसर जो है गाइस आपको बैक में देखने को मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है गाइस इस प्राइस रेंज में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारे फ़ोन में आपको नहीं मिलता है। वहीं पे गाइस आपको HDR मोड ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। जहाँ पे कलर्स की बात करें गाइस, तो जो रियलमी नार्जो 20 सीरीज़ है वो सारे जो है वो विक्ट्री डिज़ाइन के साथ आते हैं, जहाँ पे सब में आपको V शेप का जो ट्रायंगल है
वो आपको देखने को मिलेगा, वी शेप आपको चमकता धमकता हर फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और साथ में बात करेंगे इसके कैमरा क्वालिटी की, तो कैमरा क्वालिटी आपको पता है जो सेंसर इसमें लगे हैं उस हिसाब से ठीक ठाक आपको एवरेज वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे काम चलाऊ आप यूज़ कर सकते हैं। वहीं पे गाइस आपको सुपर नाइट का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे LTR मल्टी फ्रेम कंपोजिंग का आपको ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है, जहाँ पे आप नाइट फ़ोटो भी अच्छी तरीके से ले सकते हैं। पर इसमें ये नहीं है कि आप बहुत हाई लेवल वाला नाइट ले सकेंगे, नाइट फोटोग्राफी वाला काम नहीं होगा, पर हाँ थोड़े बहुत आप नाइट फ़ोटो भी शूट कर सकते हैं। वहीं सेल्फ़ी की बात करें गाइस, तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मैंने आपको बताया, जहाँ पे आप नॉर्मल से सेल्फ़ी ले सकते हैं। अब आपको पता है 8 मेगापिक्सल में आपको कितना देखने को मिलेगा। वहीं पे जो है यहाँ पे फ़ोन में आपको मतलब जो बैन ऐप्स हैं वो प्री इंस्टॉल ब्लूटूथ के साथ आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि बैन हो गए हैं। तो अब यहाँ कंपनी इन सब में भी बहुत अच्छे से ध्यान दे रही है, और बहुत कम प्राइस में 20 सीरीज़ में आपको अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिले हैं, तो तारीफ़ करना पड़ेगा। पर और भी ऑप्शन है गाइस, ऐसा नहीं है कि इस प्राइस रेंज में यहाँ पे आपको मोटरोला की तरफ भी आप जा सकते हैं इस फ़ोन के, अगर कंपैरिजन में अगर आपको जाना है मोटरोला G8 पावर लाइट जो आया था उसमें। और साथ में ये एक नया फ़ोन है, और डिज़ाइन और लुक की बात करेंगे इस, तो ये लुक और डिज़ाइन इसका बहुत अच्छा है, बाकी फ़ोन्स का भी अच्छा है गाइस, पर ये एक अलग ही टाइप का आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पे जो 20 सीरीज़ गाइस वो सारे फ़ोन चाहे 20 प्रो हो या 20 हो या 20A, सब में आपको बैक प्लास्टिक ही आपको देखने को मिलेगा, तो इस बार ग्लास वाला कोई रोल नहीं है। तो बस गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आगे की जो वीडियो है वो और भी मेरे चैनल में आपको देखने को मिल जाएंगे, रियलमी 20 सीरीज़ के सारे वीडियो और कंपैरिजन वीडियो भी धीरे धीरे सब पे काम चल रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।